नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरु जी में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों भर्ती के बारे में। दोस्तों, आपका ये आरआरबी अहमदाबाद के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों एक बार पैनल लिस्ट जारी करने के बाद दोबारा से पैनल लिस्ट जारी किया जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पर सेकेंड लिस्ट जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले अहमदाबाद जोन में कितने वैकेंसी थी और कितनी पोस्ट अभी खाली रह गई है जिसके लिए दोबारा से डीवी और मेडिकल प्रोसेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो पीईटी पास करने के बाद छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था यहाँ पे आरबी अहमदाबाद में, तो उनकी दोस्तों सेकेंड लिस्ट जारी की गई है जिसमें वो दोबारा से अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं डीवी और मेडिकल के लिए। और दोस्तों, अगर वो एलिजिबल होते हैं तो वहाँ पर वो जा सकते हैं अपने डीवी और मेडिकल के प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, पूरा ऑफिशियली बात करूँगा यहाँ पर। दोस्तों, कोई फेक नोटिस आपके सामने नहीं लेकर आया हूँ, सब कुछ दोस्तों क्लियरली आपका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट कोई भी अपडेट हो या फिर दोस्तों लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी रेलवे जोन को लेकर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं मैं आरबी अहमदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपका कनेक्ट करवा रहा है डीवी एंड मेडिकल प्रोसेस पूरा आपका आरआरसी करवा रहा है WR वेस्टर्न रेलवे। चलिए दोस्तों, वहां पर ले चलता हूं और देखता हूं दोस्तों टोटल आपका क्या यहां पर क्या जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ओपन कर दिया हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी WR यानी वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है आरबी अहमदाबाद का, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल ज्वाइनिंग यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी किया गया है WR वेस्टर्न रेलवे का, उसके बाद दोस्तों कितनी वैकेंसी बची हुई है और दोस्तों कहाँ से आपको अपना चेक करना है ई कॉलेटर, देखिए आप दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ मिल जाएगा, एक सेक्शन मिलेगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 फॉर लेवल 1 पोस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी में सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी वालों का। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप फोर्थ नंबर पर, यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे, देखिए आपका ये है आपका फिफ्थ, आपका क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 CEN नंबर 02/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आपका ये अगर लिस्ट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 4000 से 4050 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जो आपका सेलेक्ट हुए हैं ग्रुप डी में फाइनल दोस्तों फाइनल के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी है वो अप्रॉक्सीमेट 6087 है आपका अहमदाबाद जोन में। और दोस्तों इसके अलावा एक्सपर्ट सर्विस मैन, अगर दोस्तों हम अदर इम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो वो लगभग 1100 को हटा देंगे, तो दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेट आपका 5000 समथिंग आ जाएगा जो कि कैंडिडेट यहाँ पर आपके शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे आपके इसके एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए और फाइनल दोस्तों पोस्ट के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं ये ओपन करूंगा लिस्ट, जो आपका पैनल वन का लिस्ट जारी हुआ था, पहले इसको हम ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे आपके पैनल वन में। तो फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों ये आपका देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं पैनल वन में, ये आपकी पूरी लिस्ट है उनकी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका लिस्ट है, देखिए आपका जो आपका लिस्ट जारी हुआ था यहाँ पर, देखिए आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा UR के 2060 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, OBC के 908 हैं, SC के 580 हैं, ST के 327 हैं और एक्सपर्ट सर्विसमैन के 31 हैं और CCAA के 144 हैं। टोटल जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो आपके 4050 हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ वैकेंसी थी 6082 और दोस्तों यहाँ पर लगभग 1180 के आसपास आपके एक्सपर्ट सर्विसमैन और CCAA और ST को हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके सामने अगर हम दोस्तों 6082 कैंडिडेट में से 1180, जी हाँ फ्रेंड्स, 1180 कैंडिडेट को रिमूव करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर इसका, तो फ्रेंड्स ये आपका अगर हम देखते हैं इसको वहाँ से माइनस करते हैं तो आपके सामने दोस्तों लगभग 4902 कैंडिडेट्स आपका आ जाएंगे, जो कि वैकेंसी है यहाँ पर आपके अहमदाबाद जोन में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी, तो पहली लिस्ट जारी की गई थी पैनल वन की, वहाँ पर 4902 में से केवल 4050 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो लगभग 800, जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 852, जी हाँ दोस्तों 852 कैंडिडेट ऐसे हैं, 852 सीट ऐसी है जो अहमदाबाद में अभी भी दोस्तों वैकेंट है और उसके लिए यहाँ पर ये फिर से आपका जारी कर रखे हैं एडमिट कार्ड को डीवी और मेडिकल के लिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डीवी और मेडिकल होगा और फिर फाइनल ज्वाइनिंग होगी आपकी ग्रुप डी के लिए। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अलग जोन के बारे में, अदर जोन के बारे में, वहाँ पे क्या होने वाला है। तो फिर आपको पता होगा आपका ALP और टेक,
जी हाँ दोस्तों, ALP और टेक का भी अभी चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसकी ज्वाइनिंग है आपको फिर से मिलेगी। फिर से हो सकता है PET के लिए कॉल भी करना पड़ सके कुछ जोन में, जहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट को बुलाया गया था PET के लिए, अगर वहाँ पर दोस्तों वैकेंसी खाली रह जाती है तो आप PET के लिए कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर जो कट ऑफ है वो लो और हो सकती है और कम जा सकती है। तो ये दोस्तों हम बात कर रहे थे अहमदाबाद की, जहाँ पर आपका आ चुका था फिर से दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कॉल लेटर दोस्तों आ चुका है, तो वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। जिनका भी जो PET पास कर चुके हैं वो एक बार वहाँ पे चेक जरूर कर लें कि उनका हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कॉल आ चुका हो। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है आपका ई कॉल लेटर। तो फ्रेंड्स आप जब वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर आइएगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 पे। सबसे पहला आपको दोस्तों मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ पैनल। दोस्तों इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक दोस्तों लॉगिन पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं अलॉटमेंट डिटेल फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर 02/2018 फॉर ईयर 2018-19। यहां पर अपना रोल नंबर दोस्तों इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और फिर सबमिट कर देना है। यहां से दोस्तों आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप DVO मेडिकल के लिए अलॉट किए गए हैं कि नहीं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अब देखिए दोस्तों मेरे पास भी कोई कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता हूं। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट टाइम मुझे कोई रोल नंबर मिलता है तो मैं आपको इसकी वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमेशा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज़ उस पर क्लिक करके एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।